हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी इस समय हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, सर इलाहाबाद में किस कोचिंग में एडमिशन लिया जाए, क्योंकि बहुत सी कोचिंगें हैं और बहुत से बच्चों को एक एक कोचिंग दो कोचिंग का नाम पता है, बहुत से बच्चों को सारी कोचिंगों का नाम पता है, क्योंकि आप डिप्लोमा पास करके आते हैं। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी एडमिशन लेने आ रहे हैं, जैसे आपको कोई जस्ट ऊपर वाला सीनियर कहता है कि फलाने कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए, मैंने भी वहीं से पढ़ाई की है, तो उनसे एक चीज़ ज़रूर पूछिएगा, क्या आपका कोर्स समाप्त हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो कितने परसेंट हुआ है, कहाँ तक, कब तक ये करवाएंगे? ऐसा तो नहीं कि केवल गोली दे रहे हैं, क्योंकि कोचिंगों में बच्चों का कुछ माइंड डाइवर्ट भी किया जाता है अपने जूनियर्स को भेजने के लिए। उनको इस प्रकार बताया जाता है कि हमारे यहाँ इतने सिलेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ नहीं, आपको सिलेक्शन नहीं देखना है, पढ़ाई आप करोगे आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ाई वो किए तो उनका भी सिलेक्शन हो गया। बट ये देखिए कि कोर्स आपका कितने समय में कंप्लीट हुआ है और कितने टाइम में आप रिवाइज कर ले रहे हैं। कोई कहता है कि नहीं, देखो अगर बहुत से कोचिंग वाले आपको डाइवर्ट करते हैं, माइंड आपका डाइवर्ट करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, उनको बिजनेस करना है आप लोगों के साथ, तो वो माइंड डाइवर्ट करना उनका काम ही है। अगर कोई कहता है सेल्फ स्टडी से डिप्लोमा स्टूडेंट SSC JEE क्रैक नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है। हमने इंटरव्यू लेकर आया है, उनका सेल्फ स्टडी के थ्रू ही सिलेक्शन हुआ है। बीटेक वाले 2019 वाली सीरीज देखिएगा, अधिकतर लोग सेल्फ स्टडी यानी एक साल कोचिंग करने के बाद सेल्फ स्टडी किए हैं, सिलेक्शन कोचिंग नहीं दिलाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन स्टूडेंट की पढ़ाई पर निर्भर करता है, वो पढ़ाई कितने घंटे करता है। कोचिंग की फैकल्टी पर निर्भर करता है कि वो कितने अच्छे से सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए हैं। डिप्लोमा वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि BM पढ़ा रहे हैं, सॉइल पढ़ा रहे हैं, सर्वे पढ़ा रहे हैं, एस्टिमेटिंग पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी ये चीज़ें लंबी हो जाती हैं, जबकि उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि सब्जेक्ट इतने घंटे का है, 2 घंटे 4 घंटे अधिक, 3-3 गुना। अगर 60 घंटे का कोई सब्जेक्ट है, 60 घंटे में अगर आपकी एस्टिमेट समाप्त हो जानी है, उसे 200 घंटे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? 20 घंटे 25 घंटे का टॉपिक कोई है, उसे 60 घंटे तक पढ़ाने की इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें आपको ये कह के बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। बुलाएंगे 4 घंटे के लिए, क्लास के लिए बुलाएंगे, आधे घंटे 45 मिनट लेट आएंगे, फिर जल्दी छोड़ देंगे, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, ये उनका काम ही लगा रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि इलाहाबाद में कौन कौन सी कोचिंगें हैं और किस किस ब्रांच की किस किस कोचिंग में एडमिशन होते हैं इस वीडियो में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे आपको कि कोचिंग में एडमिशन लेते समय आपको किन चीज़ों को देखना है। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों को मर्ज नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कोचिंग क्या है, लेफ्ट से राइट गई हुई है, लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट में कौन सी कोचिंग है, उसके बाद लास्ट तक राइट तक जाते हैं। 6 कोचिंग है मेन, इसी कोचिंगों में इलाहाबाद में एडमिशन इसमें हो रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले जब सलोरी में हम एंट्री करेंगे इलाहाबाद में एडमिशन के लिए, मैं सलोरी इलाहाबाद की बात बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको इंजीनियर्स एकेडमी मिलेगी, जहाँ पे आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी की क्लासेस चलती हैं। बायलैंग्वल हिंदी वाले बच्चों की अलग क्लास चलती है, जो हिंदी में पढ़ना चाहे जिसको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे उनकी क्लासेस अलग चलती हैं। बैच टाइमिंग भी उनकी अलग अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंजीनियर्स अकेडमी में एक स्टूडेंट फ़ोन किया था, उसने पूछा था, उसने सारी चीज़ें मुझे भेजी थी कि सर ये चीज़ें इंजीनियर्स अकेडमी में हैं। तो सबसे पहले इंजीनियर्स अकेडमी पढ़ती है, इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको स्वैट अकेडमी मिलेगी। स्वैट अकेडमी के अभी मैंने रिसेंट 3-4 इंटरव्यू उनके कोचिंग के डाले थे, जिसमें आज़ाद जी का सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा हमारे जो फ्रेंड थे उनका भी वहीं से वो कोचिंग किए थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। अभिजीत मिश्रा है, उनका भी सिलेक्शन वहीं से हुआ था। इसके बाद ऋषभ गोयल है, तो 4-5 इंटरव्यू तो हम रिसेंटली अभी डाल चुके हैं, जिनका NSPC वगैरह में सिलेक्शन हुआ था। तो ये स्वैट अकेडमी है, यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं वहाँ सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का वहाँ पे एडमिशन होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें, दो ब्रांचेस यहाँ पे चलती हैं। इसके जस्ट आप आगे बढ़ेंगे, बिल्डिंग सटी हुई है दी इंजीनियर्स, यहाँ पे इस समय इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस चलती थी। लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चलती थी, बट इस समय सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स चारों ब्रांचों का एडमिशन हो रहा है और क्लासेस भी चलाने वाले हैं। कुछ नए और एक्सपीरियंस फैकल्टी आई हुई है इस कोचिंग में, द इंजीनियर्स में। इसके जस्ट बाद एक्सीलेंट विजन प्राइवेट लिमिटेड आता है, यहाँ पर भी आपको चारों ब्रांचों की क्लासेस मिलेगी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल
और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। काफ़ी फेमस कोचिंग है, नाम सभी ने एक्सेलेंट का सुना होगा, स्वेक्ट अकेडमी का सुना होगा, सिविल वाले इंजीनियर्स नहीं जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में काफ़ी फेमस है। बहुत सारे अभी मैंने एक सेशन भी किया था वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को बताया था कि जीएस की स्टडी किस प्रकार की जाती है, क्या चीज़ होती है, क्योंकि हमारा टेक्निकल पार्ट सिविल का है। इसके बाद एक्सेलेंट विजन के जस्ट बाद वहाँ पे कोचिंग आती है एमएमसी, ये लगभग एक या दो साल से इन्होंने कोचिंग खोली है, इनकी दो ब्रांचेज हैं, एक सलोरी में मिल जाएंगी, एक बालचंद में, तो दोनों जगह इनकी क्लास चलती है। फैकल्टी की अगर बात करते हैं तो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, जी डी पांडे सर हैं मैकेनिकल में, इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में आपको अनुराग सर मिल जाएंगे, तो कई यहाँ पे फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी, जो भी फैकल्टी है एमएमसी में वो एक्सपीरियंस फैकल्टी है। कोचिंग अभी न्यू है इलाहाबाद में, एक दो साल तीन साल रनिंग में लगेगा, लेकिन हाँ जिस प्रकार से ये फैकल्टी लेकर आए हुए हैं ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, चमकने लगेगी और अच्छे खासे एडमिशन यहाँ पे होंगे। और लास्ट में जो लास्ट की कोचिंग आती है उसका नाम है राइजिंग सेंटर जेई मास्टर। इस साल तो अभी हमारे पास टाइम का इशू था इसलिए वहाँ के इंटरव्यूज अभी हम नहीं ले पाए, लेकिन लास्ट ईयर मैंने चार या पांच बच्चों का जिसमें लखनऊ मेट्रो में एडमिशन हुआ उन्होंने सिलेक्शन लिया था। इसके अलावा एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी उनका, तो ये सारे, तो ये छः कोचिंगें हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। राइजिंग सेंटर में सिविल के एडमिशन होते हैं, एमएमसी में आपको सिविल एंड मैकेनिकल मिल जाएगा, इसके बाद आपका एक्सेलेंट में चारों ब्रांचेस मिल जाएंगी, दी इंजीनियर्स में आपको चारों ब्रांचेस मिल जाएंगे, स्वेट में आपको सिविल मैकेनिकल मिल जाएगा, इसके अलावा आपको इंजीनियर्स एकेडमी जिसकी क्लासेस राजेंद्र पब्लिक स्कूल में चलती है वहाँ पे है, राइजिंग सेंटर वाले के ऑफिस यहाँ पे है, क्लासेस इनकी चलती है इस वजह गेट के सामने पतंजलि स्टोर है वहाँ, उसके ऊपर उनकी क्लासेस चलती हैं। तो ये छः कोचिंगें हैं जो इस समय चारों ब्रांचों की एडमिशन्स ले रही हैं, तो आप लोग जाइएगा कोचिंग में, डेमो ले लीजिए, किसी भी कोचिंग में जाकर डेमो ले सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कोचिंग के नंबर्स दे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि बैचेस टाइमिंग क्या है, फ़ीस क्या है, क्योंकि फ़ीस यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है। कुछ कोचिंगें हैं जो 15,000-18,000 में एडमिशन ले लेती हैं और कुछ कम में भी ले लेती हैं, जो गरीब बच्चा होता है उसको भी कम एडमिशन हो जाते हैं, बट ये सब ठीक नहीं है। 15,000 में आप कुछ ज़्यादा 1-2 हज़ार कम के कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आप फुल फीस दीजिए, एडमिशन लीजिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। जब आप पैसे कम देते हैं तो आपका पढ़ाई में मन कम लगता है, ये रियलिटी है। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है 2,000-3,000 के चक्कर में वो परेशान रहते हैं साल भर, तो कुछ नहीं, बैचेस अच्छे बैचेस में एडमिशन लीजिए और फैकल्टी वगैरह देख लीजिएगा। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, अभी ये छः कोचिंगें हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले आप किस कोचिंग के बारे में जानना चाहेंगे, हम उस पर एक डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं आपके लिए, तो टाइम रहेगा तो हम पूरा डिटेल वीडियो आपको बना देंगे। थैंक यू गाइज़।